सभी भक्तजनों को सप्रभ्रमण। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध के अष्टम अध्याय पर कुछ चर्चा करेंगे। यह जो अध्याय है इसमें भगवान का नामकरण संस्कार का वर्णन है और भगवान की बाल लीला का वर्णन है। भगवान का नाम किसने किया ये इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत में, इस अध्याय में। तो इनके जो कुल पुरोहित थे नंद बाबा के, वे गर्गाचार्य थे। पूरे यदुवंशियों के ही कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य। तो जहां पर भी यदुवंशी थे वहां उनका सम्मान था, वहां जाते थे और उनको सब कुछ पता था कि कौन जो है किसके विरुद्ध में रहते हैं। तो वे कंस के यहाँ भी आते थे, कंस के विषय में भी पता था, और यहाँ भी आए। तो गर्गाचार्य तो उनके कुल पुरोहित थे। तो जब इन लोगों ने कहा उनको कि भाई आप जो है हमारे लल्ला का नाम संस्कार कर दें, क्योंकि यह परंपरा है भारत में कि नाम संस्कार जो है जो कुल पुरोहित होते हैं उनसे कराते हैं, किसी ऋषि से कराते हैं, महर्षि से कराते हैं, क्योंकि यथार्थ नाम वे ही जानते हैं। आजकल तो लोग ऐसे भी कोई भी नाम रख ले रहे हैं, कोई लल्लू कह रहा है, कोई टुन्नू कह रहा है, कोई पप्पू कह रहा है, कोई डप्पू कह रहा है, कुछ भी नाम रख दे रहे हैं और फिर अपने मन से कोई नाम छांट ले रहे हैं कि कौन सा अच्छा नाम है उसे रख लिया जाए। नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। नाम वैसा होना चाहिए जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को दर्शाए, और जिस प्रकार नाम से आदमी को बुलाया जाता है, जिस उच्चारण से लोग बुलाते हैं किसी के नाम को, उससे उसके व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। उसे पता चलता है कि उसमें कितनी प्रतिभा है, कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, और आने वाले समय में वह क्या कर बैठेगा, यानी उसकी क्रियाओं के विषय में भी लोगों को पता चलता है। इसलिए अपने पुकारने के नाम वो अच्छा रखना चाहिए, इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए जिसके पुकारने से उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि शब्द जो है ना वो ब्रह्म है। शब्द का बहुत महत्व है, शब्द से ही इस दुनिया में कोई पाता है या कुछ खोता है। हम कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे किसी को बुलाते हैं, उससे ही हम अपने संबंध बनाते हैं। तो नाम का बहुत ही महत्व है, इसलिए कहा गया है कि ईश्वर से बढ़कर के ईश्वर का नाम है। ये नाम संस्कार कोई हंसी खेल नहीं, बहुत सारे संस्कार जो हम लोग 16 संस्कारों की बात है तो उसमें एक नामकरण संस्कार काफी महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी यह निर्धारित करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगर आप देखेंगे तो इसको समझेंगे। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, दोनों के हेड कौन है? रूस का हेड है व्लादिमीर पुतिन
और यूक्रेन का हेड है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये दोनों नाम मिलते जुलते लग रहे हैं, पहला अक्षर तो दोनों, पहला जो शब्द है दोनों के लिए बराबर है, व्लादिमीर। तो दोनों के नाम, पहला नाम दोनों के मजबूत है। फिर उसके बाद है पुतिन, कुछ लोग उसको पुटिन कहते हैं। अगर पुतिन है तो थोड़ा सा उसमें एक रहस्य मिलता है। काफी ये इसमें शब्दावली जो है ये आक्रामक शब्दावली है, रहस्यमयी शब्दावली है। त और न जो है रहस्यमयी बनाता है, आक्रामक भी बनाता है साथ ही साथ। और जलंस के ये भी बहुत मजबूत नाम है, इसीलिए इन दोनों की जो टक्कर है उसमें अंत होता प्रतीत नहीं हो रहा। शुरू में लोग आसानी से सोचते थे कि यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन आसान नहीं हुआ। यह कहते थे लोग 7 दिन में हार जाएगा, लेकिन आसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़ेलेंस्की मजबूत नाम है, उतना आसान नहीं है। और पुतिन भी मजबूत नाम है, इसीलिए दोनों की टक्कर बहुत भयानक हो रही है। तो जो नाम होते हैं ना, वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो यहां पर जो नंद बाबा हैं, वे कहते हैं कि आप तो स्वयं ही भगवान हैं गर्गाचार्य जी को, क्योंकि हम लोग कुलगुरु को, ब्राह्मण को भी देवता मानते हैं, उनको भी। और गर्गाचार्य काफी विद्वान व्यक्ति थे, और उनका उस समय भी और आज के समय में भी उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उस समय भी ऐसा ही था। तो वे कहते हैं गर्गाचार्य जी कि नामकरण तो भाई मैं तुम लोग के यहाँ कर दूंगा, लेकिन इससे उसको पता चल जाएगा कंस को, और फिर यह उसकी, कंस की बुद्धि तो बहुत खराब है, तो यह तुम्हारे हक के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको गुपचुप रूप से करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, तो हम लोग जो है, हम लोग इसे नामकरण संस्कार हम लोग गौशाला में करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गौशाला में जा करके गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और बताया कि देखो, दोनों का नामकरण किया। रोहिणी का पुत्र है जो बड़ा लड़का है, उसको रोहिणी कहेंगे। हम लोग के यहाँ मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, इसलिए माता के नाम पर भी लड़के का नाम रखा जाता था। जैसे अर्जुन को कौंतेय कहा जाता था, और कौंतेय जब कहते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, भीम भी आ जाएंगे, युधिष्ठिर भी आ जाएंगे, नकुल भी आ जाएंगे, सहदेव भी, सभी को कौंतेय कहेंगे, तो वो सारे एक साथ कर जाते हैं। इसका फायदा क्या था? अब लोग प्रश्न पूछते हैं तो आप समझें कि इसका फायदा यह है कि इससे भाइयों में एकता बनी रहती है। इस तरह से नाम जब पुकारेंगे, जैसे कि और 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 10 भाई हैं, जितने भी भाई, जब वे एक ही नाम से पुकारे जाते हैं, वह नाम उनका कॉमन होता है, माता के नाम पर कौंतेय, तो उनमें एकता लगातार बनी रहती है। राधा का पुत्र राधेय, तो जितने भी राधा के पुत्र होंगे उनमें एकता रहेगी। राधेय कौंतेय, इसमें माता का भी सम्मान है और जो बच्चे हैं उनके मध्य जो एकता होती है वह भी विद्यमान है। तो रोहिणी नाम रखा गया, रोहिणी का पुत्र होने के कारण।
और उसका नाम रखा गया राम। राम मतलब जिसमें कोई रमण करता है, इसके कारण आनंदित होता है। तो जो सबको आनंदित करे, जिसमें सब लोग रमण करें, वह राम है। और इसका एक और नाम रखा गया बल। उन्होंने इसका एक और नाम रखा बल। तो बल के साथ देव भी लगाते, बलदेव, बलभद्र। और उसी बल से जुट गया राम का नाम, तो बलराम। बल को पहले प्रयोग किया गया, बलराम। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा। फिर एक और नाम उन्होंने उसका रखा, वो शंकरसन। शंकरसन इसलिए कि जो मेल मिलाप कराता है, उसको शंकरसन कहते हैं। तो इस तरह से उनके नाम गर्गाचार्य जी ने लिए। देखिए कितनी सरलता से और कितनी बुद्धिमता के साथ ये नाम रखे। अब ये सारे नाम अब रख दिए गए, तो अब सारे नाम से पुकारे जाएंगे। उसी तरह से भगवान का नाम उन्होंने रखा कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है जो आकर्षित करे, सबको जो आकर्षित करे, वो है कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ सांवला भी होता है। तो यहाँ पर उनके रंग को भी स्वीकार किया गया और उनके गुण को, यानी आकर्षण को, रंग का गुण और उस रंग की ताकत है आकर्षण करने की, वो दोनों के नाम का सम्मिश्रण करके उन्होंने उसका नाम कृष्ण रखा। और उनका एक दूसरा नाम वासुदेव भी रखा, क्योंकि ये वासुदेव जी के घर में पैदा हुए थे, इनका नाम वासुदेव। और इसलिए क्योंकि वसु जो है वह धन संपदा को बतलाने के लिए होता है, यानी धन संपदा से परिपूर्ण हो, भरपूर हो, तुम्हारे में आकर्षण हो और तुम्हारे रंग को इंगित करे, इसलिए उसका नामकरण किया गया। तो उस छोटे बालक का, भगवान का यानी, नामकरण किया गया। इस तरह से दोनों ही भगवान के अवतारों का नामकरण कर दिया गया गर्गाचार्य जी के द्वारा। और इस नामकरण के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इन लोगों के प्रताप को, इन लोगों की क्षमता को, इनकी योग्यता को, इनके आने वाले कर्मों को, इन सबको मैं जानता हूं, परंतु तुम लोग नहीं जानते हो। इतना जान रखो कि ये लोग सदैव विजयी रहेंगे। ये दोनों भाई गुणों की खान हैं। इनकी कीर्ति, इनका यश, इनके कर्म सदैव जो है ऐसे होंगे कि वे गाए जाएंगे युगों युगों तक, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया। तो इस अध्याय का यह जो है पहला, जो है आप समझ लीजिए कि पहला प्रकरण यह था नाम का, भगवान के नामकरण का महत्व। तो अब उस नामकरण से सब बहुत प्रसन्न हुए, फिर आपस में, भाई जो नामकरण के बाद जो हम लोग जो खिलाते पिलाते हैं, सब सब सारा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद जो है फिर नामकरण हो गया। फिर धीरे धीरे वे बड़े होने लगे, घसकने लगे। और फिर जो बाल लीला है, मक्खन खाना, दूध पीना, मटके फोड़ना, मक्खन चोरी कर लेना, ये सब सब लीलाएं वे करने लगे। अब एक बार मक्खन चोरी में यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो बताने जा रहा हूँ।
ये जब चोरी वो किए तो पकड़े भी गए, तो पकड़े गए तो भगवान खड़े थे। पकड़ जाने के बाद जैसे कि कोई झेपता है, उस तरह से झेप रहे होंगे, तो सुधा जी ने कहा, देखा कि काफी उदास हैं, तो कहा कि तुमने चोरी नहीं की, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तो तुम चोर कैसे हुए? चोर तो वह होता है ना जिसकी वह संपत्ति नहीं होती है और उसको ले लेता है। तो बहुत भगवान कृष्ण के विषय में यह कहा जाता है कि उनने चोरी की। कुछ लोग इसके कारण कहते हैं, ये कैसा भाई भगवान है जो चोरी करता है, कैसा भगवान है जो चोरी सिखाता है, ये कैसा भगवान है सनातन धर्म का? तो इसका उत्तर यहाँ यशोदा जी ने दिया है कि सब कुछ तो तुम्हारा ही है, अपनी संपत्ति को ही ले लेना वह चोरी नहीं है, दूसरे की संपत्ति नहीं, सब तो भगवान की ही है। हर आदमी भगवान का है, हर चीज भगवान का है, तो उसमें से किसी को भी ले लिया तो वो चोरी नहीं है। और फिर ले करके अपने सखाओं को बांट दिया। तो भगवान यहाँ पर संदेश वितरण का दे रहे हैं कि जो संपदा है वह वितरित होनी चाहिए। जिन्होंने संग्रह कर रखा है, चोरी तो उन्होंने कर रखी। जो हमारे यहाँ टाटा बिरला लोग संग्रह कर रखे हैं, चोरी तो उन्होंने कर रखी है। जो अंबानी अडानी संग्रह कर रखे हैं, निर्वाह में 10 हजार 20 हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं, चोरी तो उन्होंने कर रखी। वितरण नहीं हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में यह दिक्कत है। भगवान ने यहाँ पर संदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जिन्होंने संग्रह कर रखा है वहां से ले लिया जाए, और जिन्हें जरूरत है उन्हें दे दिया जाए। तो वितरण का सूत्र उन्होंने यहाँ पर दिया है और यह नैतिक रूप से गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय संपदा सबके लिए है। तो भगवान ने दूध दही इन सबको वानरों को भी खिला दिया, दूसरे बच्चों को भी खिला दिया जो वंचित थे, जिनके घर में गौवें नहीं थी, जिन्हें मक्खन दूध नहीं मिलते थे, उनको भी बांट दिया। वे सब उनके सखा हो गए, हो ही जाएंगे, क्योंकि जहां लाभ मिलेगा वहां मित्र तो बन ही जाते हैं। भगवान ने सबको लाभ दिया, लाभ दे करके उन्हें यह भी बताया कि यह गलत नहीं है, तुम इसके हकदार हो, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। और जिन्होंने नहीं दिया, तो उस समय बाल लीला में जो की जा सकती थी वो की और उसे फोड़ दिया, तोड़ दिया। यहाँ पर भगवान ने दोनों रूप दिखलाए कि अगर संपदा नहीं दी जा सकती है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। जो नहीं देंगे, जो आनाकानी करेंगे, जो छिपा दुराव करेंगे, कई गोपियां थी उन्होंने छिपा छिपा करके रख रखा था, और छिपा के रख रखा था अंधेरे में कि ये देख नहीं पाएगा, वहां भी खोज ली। तो पहले तो जहां भी रखा था खोज लिए, पूरा प्रयास किए, और जब बहुत ऊंचाई पर रख लिए तो वहां भी एक के ऊपर एक चढ़ करके उसे उतार लेते थे, स्टूल के ऊपर स्टूल रख करके, तिपाई के ऊपर तिपाई रख करके, यहाँ तक कि ट्रेन सखाओं के कंधे पर चढ़कर भी उसे उतार लेते थे। और जब बिल्कुल ही असंभव हो जाता था
फिर डंडा लेकर के उसे इस तरह से छेद कर देते थे कि वो सारा उसमें से गिर जाता था, फिर नीचे गिरा हुआ सब लोग खा लेते थे। तो यह एक लीला समझने की है, इसे हम कैसे अपने देश में लागू कर सकते हैं यह समझने वाली बात है। हम कहाँ लागू कर सकते हैं, जो हमारे कानून बने हैं उन कानूनों में कहाँ दिक्कत है, वहां हम इसे लागू कर सकते हैं। कानून नए बदल करके हम संपदा वितरित कर सकते हैं। जो कानून ऐसे बने हैं संपदा वितरण में बाधक, उसे तोड़ सकते हैं, जैसे भगवान मटकी फोड़ देते थे। तो संपदा को कैसे प्रयोग करना है, ये भगवान ने सिखलाया हम लोगों को। और इस तरह से कि सभी लोग प्रसन्न हो गए, अपने उनके सारे सखा जो थे वे प्रसन्न थे, इसीलिए वे बहुत जल्दी ही उसके नेतृत्वकर्ता बन गए। तो अब वे इस तरह से लीला करते थे इसके, और वे जब खड़े होते थे तो लोग कहते देखो कैसे साधु जैसा खड़ा है, लेकिन है बड़ा नटखट और खड़ा है साधु जैसा, जैसे कि कुछ किया ही नहीं। साधु मतलब जो भोला भाला सीधा साधा है, तो देख तरह से देखा जाए तो सीधा साधा ही है, मतलब सिंपल फॉर्मूला। लेकिन चूंकि ये समाज के कानून सीधे नहीं है, इसीलिए उन्होंने टेढ़ा हो गया होकर के यह रास्ता दिखाया और यहाँ पर नटखट जैसा रूप लगा, लेकिन थे तो सीधे, फॉर्मूला तो उनका सीधा है। समभाव की वे बात करते रहे पूरे जीवन भर, और हमारे वेद में भी कहा गया समानि वा कूति समाना हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वशुषः सखी, सबके हृदय समान, सबके मन समान, सबके भोग में सबके हक समान हो, अधिकार समान हो, समान रूप से सारे लोग मंत्र धारण करें, समान रूप से सारे लोग मुक्ति को पाएं, यही तो हम लोग का मंत्र है, ये तो हम लोग का वेद बता रहा है। तो भगवान ने उसी समानता के सिद्धांत को सब जगह लागू करके दिखाया, यहाँ तक कि जब वह द्वारकाधीश भी हुए तो उन्होंने कहा कि यह जो है सेवा ही है, मैं सबके बराबर ही हूँ, और यहाँ तुम लोग जितने भी हो अपने को तुम लोग द्वारकाधीश ही समझना। हम सभी एक कानून के तहत, एक नियम के तहत, एक विधान के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। तो वह विधान जो है वह सर्वोपरि होगा, कोई व्यक्ति नहीं, द्वारकाधीश के वचन है। कैसे राजा होना चाहिए, वहां उन्होंने समानता के नियम को वहां भी रखा, और उसका पालन तभी हो सकता है जब हम कानून सर्वोपरि हो, जब संविधान नियम वह सर्वोपरि हो। तो उन्होंने हम लोग को यह दिशा दी, यह रास्ता दिया कि नियम सदैव जो है वह होना चाहिए और सबके ऊपर वो बराबर लागू होने चाहिए, और उन नियमों के पालन में जब उनके स्वयं के पुत्र शाम्ब को बलराम जी ने मृत्युदंड दिया, तो उन्होंने थोड़ा भी कुछ इस उस नहीं किया। तो ये होता है समानता के सिद्धांत को लागू करना और उसका सम्मान करना। यूं ही नहीं, भगवान कृष्ण आदर्श रहे हैं। तो उन्होंने तो हम लोग को ऐसा सब सिखाया समानता के नियम को। अब ये जो लीला जो दे लोग देख रहे थे, गोपी गोपिकाएं जो उनके साथ खेलते थे, जो उनके साथ जो है नाचते थे, गाते थे, हंसते थे, जिनके साथ गौवें चराते थे, और ये जो गोपिकाएं थी जो उन्हें दुलार लाड़ दुलार करती थी, सब जो है
उनकी लीला का आस्वादन किए, क्योंकि उनकी हर लीला जो है दिव्य है। और इस लीला का ऐसे ही नहीं आस्वादन कोई कर सकता है, भगवान साकार रूप में उपलब्ध हुए, अवतार लिए, तो उनकी हर लीला जो है सराहनीय रही है, और उस लीला का आस्वादन वे ही लोग कर पाए जिन्होंने काफी तप किए थे, वे ही लोग उनके करीब रह पाए। ये जो गोपियां थी वे गोपियां साधारण नहीं थी, वे पहले की ऋषिकाएं थी, ऋषि थे, तो ऋषि और ऋषिकाएं थी जिन्होंने इन तपस्याएं की थी, जिसके कारण ही उन्हें यह संदेह। बहुत सारे देवी और देवता वे भी अवतरित हुए थे और भगवान के साथ उन्होंने भी लीलाएं की, भगवान का सहयोग उन्होंने किया, भगवान के रूप का, भगवान की वाणी का आस्वादन किया, भगवान के साहचर्य को उन्होंने, भगवान का साहचर्य भी इतना सरल नहीं है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसे उग्र तपा ऋषि थे, तो उग्र तपा ऋषि जो थे वे काफी उन्होंने तप किया था, तो वो सुनंद नामक गोप की कन्या हुई सुनंदा, जो काफी लोकप्रिय मानी गई। उसी तरह से सत्य तपा जो कि सुभद्रा नामक गोप की कन्या के रूप में सुभद्रा हुए। एक तो सुभद्रा जो है वह तो अर्जुन की पत्नी बनी, जो भगवान कृष्ण की बहन थी वो एक अलग, और यहाँ पर एक सुभद्रा जो है वो अलग। एक हरिधामा थे, वो ऋषि थे अपने पूर्वजन्म में, उन्होंने बहुत ही भगवान की तपस्या की, तो ये रंगवेणी नामक गोप के रूप में अवतरण हुई। उसी तरह से बहुत एक प्रचलित वैदिक ऋषि हुए हैं जावाली, तो जावाली जो ऋषि थे उन्होंने भी बहुत तपस्याएं की, और तपस्याओं करने के बाद जो है वे भी अवतरण हुए, और चित्रांगदा नाम से, चित्रांगदा तो अर्जुन की पत्नी थी, चित्रांगदा, तो चित्रगंधा नाम से वे आए जयवादी ऋषि। उसी तरह से सुचिस्रवा नाम के एक ऋषि थे, तो सुचिस्रवा नाम के ऋषि थे वो सुधीर नामक गोप के घर में उत्पन्न हुए, सब भगवान के सब सखा सहेली थे। तो इन लोगों ने ये सब भगवान के रस लीला का आस्वादन किया। अब यशोदा जी ने भगवान कृष्ण की एक लीला में है कि भाई उन्होंने जो है मिट्टी खा ली, तो मिट्टी खा ली तो शिकायत उनकी हुई कि इन्होंने मिट्टी खा ली है। अब मिट्टी खा ली है तो यशोदा जी के यहाँ शिकायत पहुंची, यशोदा जी ने कहा कि तू मिट्टी खाया है तो अपना बताओ। तो भगवान ने कहा कि मैं मिट्टी खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, मिट्टी तो जो है वो मैंने ही थोड़ी खाई और उन्हें भी खाई होगी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब देखते होंगे कि बच्चे मिट्टी अक्सर खाते हैं, ऐसा होता है कि बच्चों को जो भी कुछ मिलता है बहुत छोटी उम्र में वे सभी को खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी उनका वह अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर चीज को वे टेस्ट करते हैं, स्वाद कैसा, कोई भी नई चीज पाएंगे तो टेस्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता। मिट्टी में बहुत जीवाणु होते हैं,
मिट्टी खाने की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं, और जब कीड़े पड़ जाते हैं पेट में तो वे कीड़े भी स्वाद बदल देते हैं जीव का, और मिट्टी का स्वाद जो है वह काफी सौंधा सौंधा लगता है। उससे प्रेरित होकर के बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी भगवान ने भी खा ली, तो सुधा माता ने कहा कि चलो मुंह खोलो देखूं खाए हो कि नहीं खाए हो। जब उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड का सुधा जी ने दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। उसमें सुधा जी खुद भी दिख रही थी। तो उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं मेरी मति तो नहीं गड़बड़ा गई है, या ये बच्चा जो है कुछ सिद्ध है क्या। दोनों प्रकार के भ्रम हुए। तो भगवान ने उन्हें फिर इस तरह से कर दिया कि वे बातें वे भूल गई, उनका दिमाग फिर दूसरी तरफ हो गया। तो भगवान चूंकि धरा पर अवतरित हुए थे तो धरा का सेवन करना तो जरूरी है, तो उसमें भी उन्होंने मिट्टी खाई। और इसे रज भी कहा जाता है, धरती को, कण को, परमाणु को, परमाणु कहा जाता है। तो भगवान तो दिव्य है, तो रज भी उन्होंने खा लिया, क्योंकि रज से ही क्रिया होगी, उनको बहुत सारे कर्म करने थे, इसलिए भी उन्होंने खा लिया। कुछ रजोगुण का संचार हो जाए, क्योंकि भगवान तो शुद्ध सत्व है, परंतु तो रजोगुण भी तो उन्हीं को धारण करना है, तो इसलिए भी खा लिया। धरती को रसा कहा गया है, और वेद में कहा गया रसो वैषः, परमात्मा जो है वो रस स्वरूप है, तो रस स्वरूप है, इसलिए उन्होंने दारा को भी सेवन किया, क्योंकि इस धरती से ही तो सारे रस हैं, तो इसलिए भी धरती का सम्मान किया कि ये धरती जो है रस से भरी है, तो इस धरती का सम्मान होना चाहिए, इस धरती का सेवन होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। यह धरती गंध से भरी हुई है, तो इसके गंध का भी सेवन करना चाहिए, यह गंध बहुत दिव्य है। और जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत सारे रसायन होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब सब बहुत सारी धातुएं होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक होते हैं थोड़ी मात्रा में। यदि उसमें कृमि न हो तो मिट्टी में खाना बनाना, मिट्टी का कुछ अंश हमारे शरीर में जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। मिट्टी का घड़ा में हम पानी रखते हैं, मिट्टी के घड़े में जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। आजकल के बहुत सारे ऐसे बर्तन आ रहे हैं जो कि नीचे से धातु हैं ऊपर से मिट्टी है, उसमें आप खाना बनाइए, तो वह जो है उस माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखता है। तो इसलिए भी भगवान ने मिट्टी खाई, वहां पर वह भी संकेत आप समझ सकते हैं। हमारे पुराने जमाने में सब लोग अपना खाना जो है मिट्टी के बर्तन में ही बनाते थे, क्योंकि उसमें आप बनाएंगे बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं, इसलिए तो वह भी एक है कारण। एक और कारण क्या हो सकता है, मिट्टी जो होती है वह विष का काट है, विष को न्यूट्रलाइज करती है मिट्टी, तो मिट्टी का यह भी एक बहुत बड़ा फायदा है। मिट्टी अगर साफ सुथरी हो, कृमि वगैरह से रहित हो, तो शरीर में जो विष हम को हो जाता है तो विष को वह खत्म कर देती है। मिट्टी का यह भी बहुत बड़ा कारण है। तो विष दवा है, मिट्टी जो है दवा है विष का, इसलिए मिट्टी का सेवन करना। तो भगवान ने इसके माध्यम से भी मिट्टी का सत्कार किया, सम्मान किया, तो यशोदा जी ने वहां पर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन पाया। और ब्रह्मांड का जब दर्शन पाया तो वे डरी भी, लेकिन उन्हें फिर सौम्यता प्राप्त हुई भगवान के ही, भगवान की ही कृपा से,
अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने इन्हें इतना दर्शन दिया, यशोदा जी को वात्सल्य दिया और नंद बाबा को वात्सल्य दिया, आखिर क्यों? तो इनके ऊपर ऐसी कृपा कैसे हुई? इसके पीछे उनका तप था। जो नंद बाबा थे वे पिछले जन्म में, उनका नाम जो द्रोण था और वे वसु थे, वो काफी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, ऐश्वर्यशाली थे। उनकी पत्नी जो इस समय है वही पिछले जन्म में भी उनकी पत्नी थी और उनका नाम था धरा, धरा पृथ्वी को ही कहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी, दोनों ने ही बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारे यहाँ आए, हमें भगवान का साहचर्य मिले, हम उन्हें लाड़ प्यार दुलार करें। इस प्रकार से वात्सल्यमयी भक्ति जो है उन्होंने मांगी थी। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु जो थे उन्होंने अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के वरदान को चरितार्थ किया। और इसलिए इन दंपत्ति को वह अवसर मिला जो कि बहुत विलक्षण, बहुत कम ही लोगों को मिलता है। तो इस अध्याय में इतना ही। तो यह अध्याय काफी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, सार गर्भित लगा होगा। तो आपसे विदा लेता हूँ। हरिओम।